नमस्कार। इस वक्त हम हैं इंदौर की चोइथराम फल और सब्जी मंडी में, जहां लगातार प्याज की जो आवक है उसको लेकर के उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने मिल रही है। चूंकि प्याज आने का समय है, कैसी आवक अभी वर्तमान में हो रही है और क्या कुछ डिमांड है, ये जानने के लिए जो प्याज के व्यापारी हैं राजेंद्र पाटीदार जी, उनके पास सीधे चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति प्याज के व्यापार को लेकर देखने मिल रही है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह की स्थिति हम प्याज की आवक को लेकर के वर्तमान में देख रहे हैं और आने वाले समय में प्याज के क्या कुछ दाम कहां तक जा सकते हैं, इसको लेकर के क्या जानकारी अभी हमारे पास है वर्तमान में? अभी अपन ज़्यादा जानकारी तो दे सकता हूँ आपको मैं भी। जैसे लास्ट ईयर पिछले हफ्ते आमदनी अच्छी थी प्याज के अंदर, आज तो देखा जाए तो अराइवल कम है मेरे हिसाब से और हल्की प्याजें बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। प्याज के बाज़ार की पोजीशन है, हल्के माल बिक्रे 8 रुपये से लगा के 12 रुपये और सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी 14 रुपये से लगा के 18 रुपये तक, वो भी स्टॉक वाले बाज़ार में हैं तो बाज़ार टिके हुए हैं मार्केट के अंदर। आगे जाके अराइवल तो बढ़ना है, अभी तो नहीं बढ़ेगी, मतलब एक आध महीने बाद तो बढ़ेगी अराइवल। आगे जाके क्या बाज़ार टिकते हैं, संभावना तो है कि 25 से 30 रुपये बिकना चाहिए, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्योंकि स्टॉक में कॉपी प्याज जा चुकी है। यदि बात करें तो वर्तमान में किस तरह की आवक हमको लग रही है, चूंकि अब की बार मौसम का काफ़ी असर जो है फसल की प्याज की फसल पर पड़ा है, क्या लगता है ऐसे में आने वाले समय में जब आवक हमारे पास कम होगी तो मांग जो है लगातार बढ़ेगी तो दाम में कोई असर देखने मिलेगा हमको? आमदनी कम होने का तो कालम नहीं है, आगे आमदनी तो बढ़ना है, आमदनी नहीं घटेगी। आने वाला ये समझ लो कि 15-20 दिन थोड़ा ब्रेक रहेगा, इसके बाद आमदनी बढ़ना है क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी प्याज काफ़ी चली गई, लोकल प्याज तो बिकी नहीं है, पूरी गोदाम के अंदर हो गई है, किसानों ने माल बेचा नहीं बिल्कुल भी, ये समझ लो आप। स्टॉक की क्या स्थिति किसानों के पास अभी वर्तमान में, स्टॉक है प्रॉपर? बिल्कुल बराबर, काफ़ी स्टॉक किसानों के पास। यदि बात करें तो प्याज के दाम जो है अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ते हैं और कहां तक बढ़ते हैं पूरा देश जानता है, तो क्या लगता है आने वाले समय में प्याज के दाम जिस तरह से पिछले साल बढ़े उसके पिछले साल बढ़े वैसे ही अब की बार दाम देखने मिलेंगे या फिर अब की बार कुछ नियंत्रण जो है दाम में हमको देखने मिलेगा? ऐसा अभी कहना मुश्किल है, लास्ट क्या रहता है प्याज के दाम पूरे बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे महाराष्ट्र है आपका, बेंगलोर है, कर्नाटक है, ये अगर समय पर बारिश हो जाती है और समय पर अगर फसलें आ जाती हैं तो बाज़ार ये समझ लो कि स्थिर भी हो सकता है, और अगर ये आगे पीछे कुछ एक महीने की गैप वेप में अगर मौसम के हिसाब से होता है तो कुछ भी हो सकता है प्याज का, ऐसा रहता पूरा, क्योंकि पीछे अगर बारिश समय पर आती है तो कुछ भी हो सकता है प्याज के अंदर, नहीं तो अन्यथा बाजार यही घूमते रहेंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल वर्तमान में दाम देखें तो किस तरह के हैं, क्या पिछले साल की तुलना में इस साल दाम में कोई असर हमको अभी तक देखने मिला? हाँ, पिछले साल की तुलना में बाजार इस बार ऊंचे दाम है ना, पिछले साल की अगर कंपेयर करेंगे तो कम से कम 3 से 4 रुपये टाइट है प्याज पर किलो। आने वाले समय में क्या संभावना जता रहे हैं, अनुभवी व्यापारी हैं आप, क्या देखते हैं प्याज की क्या स्थिति आने वाले समय में रहेगी? आने वाले समय में 25 रुपये प्याज हो जाएगी, 20 से 25 रुपये, 20 तो बिक रही है 25-30 रुपए, और अगर 25 रुपए ब्याज बिकती तो स्टॉकिस्ट को किसानों को पैसा ठीक ठीक दाम ही मिलेगा, कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि स्टॉक में प्याज गई है ना तो 20 रुपए में स्टॉक में प्याज गई है, अगर वो 25 भी बिकती है तो वाम वहीं घूमते रहेंगे। यदि एक्सपोर्ट खुलता है, एक्सपोर्ट में जो है संभावनाएं बढ़ती है तो फिर हमारे पास दाम बढ़ेंगे प्याज? हाँ, एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है बराबर तो समझ लो कि 30-35 रुपये हो सकती प्याज। निश्चित तौर पे प्याज के व्यापारी हैं राजेंद्र जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है प्याज को लेकर के वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, यदि एक्सपोर्ट खुलता है तो वहाँ पर प्याज के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, अन्यथा जो प्याज के दाम है वो 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक रहने की संभावना ये जता रहे हैं इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी से नमन मिटके।